चलिए बच्चों, बात करते हैं सीए इंटर ग्रुप टू के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और कौन से चैप्टर हमें ऑन प्रायोरिटी उस हिसाब से अपने प्रिपेयर करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का लिंक दे दिया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से सीधे वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उस पर्टिकुलर टाइम से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग। एएस की वेटेज अगेन 20 से 25% हो जाती है। उसके बाद आता है आपका कंपनी अकाउंट, 33-38 मार्क्स, जिसमें आपका ESOP आ जाएगा, बायबैक आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, लिक्विडेशन, एमलगमेशन एंड अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो एमलगमेशन के अंदर ही आ जाता है बेसिकली, एमलगमेशन एंड लिक्विडेशन के अंदर। इसके बाद 12 से 16% में बैंकिंग कंपनी आता है, फिर 25 से 30% में कंसोलिडेशन एंड डिसोल्यूशन। तो कैसे करना चाहिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पर अगेन एएस को अच्छे से तैयार करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपको बैंकिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जैसे ही आप एएस और बैंकिंग अच्छे से कर लेते हैं, लगभग 40 नंबर की जो है आपके एकदम सिक्योर हो जाते हैं। फिर आप आइए ESOP, एमलगमेशन, लिक्विडेशन पे, क्योंकि 33 से 38% की वेटेज रखते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ये वेटेज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कमिंग टू ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ऑडिट ऑफ बैंक्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये लगभग 10 से 20% का एग्जाम में आएगा, मतलब 10 से 20 नंबर का। फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक्सपेंस होते हैं, असेट्स होते हैं, लायबिलिटी, तो उसका 10 से 15%। कंपनी ऑडिट एंड फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ये 15 से 20%। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि ब्रॉडली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक हैं, वो 45 से 55%। तो यहाँ पे तो सबसे पहली प्रायोरिटी ही आपकी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अच्छे से करें, उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट एंटिटीज, ये पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लगभग 60 नंबर की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से हो जाती है। नाउ कमिंग टू EIS एंड SM। EIS में 5 चैप्टर हैं, SM में 8 चैप्टर हैं, और सारे चैप्टर्स की इक्वल वेटेज है। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है कम, तो हर चैप्टर की इक्वल वेटेज है, उस हिसाब से जो है अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन आप करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की बात करना चाहूंगा। सारे यूनिट्स की जो है अपने आप में इक्वल वेटेज है। कौन सी यूनिट सबसे पहले करें, तो सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस करें एंड नेशनल इनकम करें, क्योंकि बहुत छोटे हैं, कंपैरेटिवली जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर मनी मार्केट करें, फिर इंटरनेशनल ट्रेड करें। मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी ही अच्छे से करनी है, क्योंकि 40 नंबर फ्री के हैं। मैं आपको बताऊं, FM एंड ECO में ECO ही आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर रखता है। ECO में थ्योरी है, और थ्योरी होने की वजह से एक उसका एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि इतने में से ही क्वेश्चन बनेगा। प्रैक्टिकल पेपर्स जो होते हैं उनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब थ्योरी पेपर्स होते हैं तो वो आपके हमेशा बुक से ही रहेगा, लिमिट्स में रहेगा। तो ECO को तो आप देखिए, सब कुछ इक्वल वेटेज है, बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसमें तो कुछ भी मत छोड़ के जाइए। नाउ कमिंग टू द FM, तो सबसे पहले देखिए वर्किंग कैपिटल अगर आप देखते हैं तो 10 से 15% की वेटेज रखता है, मतलब 9 से 12 नंबर का जो है वो वर्किंग कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर आपका जो है कैपिटल बजटिंग आ जाता है पूरा का पूरा, डिविडेंड डिसीजन आ जाते हैं, जो ये सब आपने वॉल्टर्स मॉडल, गॉडल, ट्रेडिशनल, ये एक आप देखें तो अच्छी वेटेज रखते हैं, 30 से 35%, मतलब 18 से 21 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो आप ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है इसको तैयार करिए, मतलब वर्किंग कैपिटल 9 से 12 है, कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन 18 से 21 है, तो आप खुद समझ सकते हैं एनर्जी दोनों पे इक्वल लगनी है। तो हम बेटर है कि सबसे पहले कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन को तैयार करें। फिर आप देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज, ये मिला करके 40 to 45%, मतलब 24 नंबर से लेके लगभग 26 नंबर की वेटेज रखते हैं। और ये देखिए सारे चैप्टर्स बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे सिंपल चैप्टर है। तो आपकी जो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी एफएम के अंदर होनी चाहिए वो इसी सेक्शन को लेके होनी चाहिए। फिर सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कैपिटल बजटिंग को लेके, थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल को लेके, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो है वो आपको थ्योरी पार्ट के ऊपर फोकस करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इसमें करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सेकंड में कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, थर्ड में वर्किंग कैपिटल, एंड फोर्थ में आप लास्ट में थ्योरी करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस सीए इंटर का, जिसमें हमने आपको बताया कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, प्लस कौन से चैप्टर्स आपको रिवीजन के टाइम पे ऑन प्रायोरिटी लेने चाहिए। जय श्री कृष्ण।